हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। आज था मेरा हेयर वॉश डे, तो सुबह में मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद हेयर ऑयल कर लिया था और थोड़ा बहुत काम निपटाने में 1.5-2 घंटे निकल गए, क्योंकि ऑयल को कम से कम 2 घंटे जैसा रखना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने शैम्पू कर लिया है एंड नाउ मैं अपने बाल ज़रा फटाफट से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना है। एंड आई नो आप मेरे इस हेयर ड्रायर के बारे में जानना चाहते होंगे। अगर आप एक हाई क्वालिटी हेयर ड्रायर ढूंढ रहे हो जो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो एंड डिलीवर्स ऑन परफॉर्मेंस एंड स्टाइल, तो मेरे पास है आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मेरा ये नया हेयर ड्रायर। ये है अगारो हेयर ड्रायर जो 1600 वॉट की ब्रशलेस मोटर के साथ आता है। BLDC ब्रशलेस मोटर टेक्नोलॉजी आपके बालों को फास्टर ड्राई करती है देन ट्रेडिशनल हेयर ड्रायर्स एंड इससे नॉइज भी कम प्रोड्यूस होता है एंड यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट हाउ क्वाइट इट इज़। इसकी आयोनिक टेक्नोलॉजी आपके बालों से फ्रिज एलिमिनेट करके बालों को स्मूदर एंड शाइनियर बनाती है। इट टाइटन्स द हेयर स्केल्स एंड इम्प्रूव्स हेयर हेल्थ। ये हेयर ड्रायर देखने में कुछ ऐसा लगता है और यहाँ ऊपर टेम्परेचर बटन है जिससे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 4 टेम्परेचर सेटिंग मिल जाएंगी, 50 डिग्री सेल्सियस जो हॉट विंड प्रोड्यूस करता है, देन 70 डिग्री सेल्सियस जो थोड़ी ज़्यादा हॉट विंड प्रोड्यूस करता है एंड 90 डिग्री सेल्सियस जो 90 डिग्री हॉट विंड प्रोड्यूस करता है, एंड चौथा मोड है कूल शॉट दैट गिव्स नेचुरल विंड। और ये वाला बटन स्पीड सेटिंग के लिए है और इस हेयर ड्रायर में आपको 3 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं, लो विंड स्पीड, मीडियम विंड स्पीड एंड हाई विंड स्पीड। और ये है पावर बटन टू ऑन एंड ऑफ द मशीन। इसके साथ 2 अटैचमेंट आते हैं, पहला है ये कॉन्सेंट्रेटर नोजल और दूसरा है ये डिफ्यूज़र, और ये दोनों ही अटैचमेंट्स मैग्नेटिक सक्शन की हेल्प से ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं। मैग्नेटिक सक्शन इंस्टॉलेशन इज कन्वीनियंट एंड क्विक और नोजल को आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेटर नोजल को आप पैडल ब्रश या रोलर ब्रश के साथ यूज कर सकते हो फॉर स्टाइलिंग हेयर। इट ड्राइज विद फोकस्ड एंड स्मूथ कंट्रोल्ड एयर फ्लो फॉर मोर टारगेटेड ड्राइंग। और डिफ्यूजर आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके बाल कर्ली हो, क्योंकि इससे कर्ली हेयर ड्राई हो जाते हैं विदाउट द कर्ल्स गेटिंग स्ट्रेट। और नॉर्मल हेयर ड्राइंग के लिए आप बिना नोजल के इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस हेयर ड्रायर का डिजाइन एकदम स्लीक एंड मॉडर्न है, ये काफी लाइट वेट है और इसके साथ काफी लंबी पावर कॉर्ड आती है फॉर इजी हैंडलिंग। और ये हेयर ड्रायर सेल्फ क्लीनिंग मोड एंड ब्रश दोनों के साथ आता है। सिंपली इस ब्रश से आप इसको क्लीन कर सकते हो और विंड स्पीड बटन को 5 सेकंड लॉन्ग प्रेस करने से इसका सेल्फ क्लीनिंग मोड शुरू हो जाएगा। इस हेयर ड्रायर का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। ये एक पर्सनल हेयर ड्रायर है दैट गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल आउटपुट और ये हेयर ड्रायर 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है। इसका LED डिस्प्ले होने की वजह से ये काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। और इस हेयर ड्रायर का लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक चेक कर लीजिएगा। सुबह में बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है तो मैं यहाँ पर थोड़े से नूडल्स बॉईल कर रही हूँ। मैं ये वाई के हक्का नूडल यूज़ करती हूँ आजकल, अच्छे लगते हैं मुझे ये। और इसके साथ है ना एक टेस्ट मेकर भी आता है, तो मैंने काफ़ी सारे पानी में थोड़ा नमक डाल करके जो नूडल्स हैं वो बॉयल होने रख दिए थे। जैसा पैकेट पर इंस्ट्रक्शन होता है उसी हिसाब से इन्हें मैं बॉयल कर रही हूं। आप ये प्रोसेस रात में भी करके रख सकते हो, अगर टिफ़िन के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा ना फिर टाइम सेव हो जाएगा।
नूडल्स बॉईल हो जाते हैं तो उसको फिर ठंडे पानी से रिंस कर लीजिए और तुरंत उसको थोड़ा सा ऑयल स्मीयर करके फैला करके रख दीजिए। इससे वो बहुत अच्छे बनते हैं, चिपचिपे नहीं होते और ना ही टूटते हैं टॉसिंग एंड टर्निंग में। ऑल्सो आप इतना काम मतलब नूडल बॉयल करके इसमें ऑयल लगा करके रख दीजिए फ्रिज में, तो फिर आप कभी भी इंस्टेंटली नूडल की कोई भी रेसिपी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे इसको ऑयल लगा के भी रख दिया है एंड मैं बहुत ही झटपट वाले नूडल बना रही हूँ, हाका नूडल जैसे कह सकते हो आप इसे, जो टिफ़िन के लिए अप्रोप्रिएट है, अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाता है खाना तब तक जब तक लंच ब्रेक होता है, तो ये उस स्टेट में भी स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और डाला था गार्लिक, गार्लिक थोड़ा अच्छे से भून जाए, उसकी खुशबू आ जाए, उसके बाद मैंने इसमें वेजीज़ डाली हैं। वेजीज़ के नाम पर सिर्फ प्याज और कैप्सिकम है, आपके पास जो सब्ज़ियाँ हों जो आपको पसंद हो वो सभी इसी वक्त यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फिर ऐड कर दीजिए आपके नूडल्स और सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस एंड विनेगर मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। वैसे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा लाइट ही बना रही हूँ, मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही हूँ। वैसे भी सानवी खुशी थोड़ा सा लाइट नूडल्स होते हैं ना वो पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा वेजी लोडेड बहुत ज़्यादा स्पाइस वाला उनको उतना पसंद नहीं आता। फिर ये टेस्ट मेकर भी था सैशे, तो ये भी मुझे ऐड करना था, इसलिए मैंने मसाले हल्के कम ही रखे हैं। मैंने इसमें ऊपर से सिर्फ थोड़ा नमक मिलाया और कोई दूसरे मसाले नहीं मिलाए। आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिला सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाता है। एंड ग्रीन चिलीज़ मतलब वेजिटेबल तो आपकी चॉइस है। फिर इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ना 2-4 मिनट अच्छी तरह भून लीजिए, भूनते भूनते मिक्स कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया आपका हाका नूडल इन लाइक नो टाइम रेडी हो जाएगा। और इसके साथ मैं देने वाली हूँ पनीर, थोड़ा सा पनीर 65 स्टाइल का मैं पनीर बनाने वाली हूँ, पर क्विक वाला बना रही हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा से स्टेप मैंने स्किप कर दिए हैं, बट मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी कि आप और क्या क्या करें जिससे ये प्रॉपर पनीर 65 बन जाए। तो मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स के ऊपर डाला है थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और स्वाद के हिसाब से नमक। यहाँ पर आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालिएगा और इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप कॉर्न स्टार्च डालते हो ना तो फिर इसको फ्राई करना होगा, वो स्टेप मुझे स्किप करना था क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी में ये बनाना था। पर अगर आप कॉर्न फ्लावर डालेंगे और फिर इनको फ्राई कर लेंगे तो ये प्रॉपर पनीर 65 की रेसिपी है। मैंने डायरेक्टली ये क्यूब्स को मैरिनेट कर लिया, कुछ 5-10 मिनट इसे मैरिनेट होने दीजिएगा और इसके बाद फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इनको टॉस कर लिया है। ये सारा ही प्रोसेस हाई फ्लेम पर और अच्छी तरह हीट किए हुए पैन में करना, वरना जो पनीर है उसका जो पानी है वो छूट जाएगा और फिर वो थोड़ा सा चिली हो जाएगा। हाई फ्लेम पर करोगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट सक्यूलेंट एंड टेस्टी बना रहेगा। मैंने तो इसको पैन में फ्राई कर लिया है, पर आपने अगर थोड़ा सा इस पर फ्लावर कोट किया है ना तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा रख करके डीप या शैलो फ्राई आप कर सकते हो, जैसा आपका चॉइस हो। इसके बाद पैन में थोड़ा सा ऑयल मैंने एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, पनीर हटाने के बाद थोड़ा सा ऑयल बच गया था तो वही ऑयल है ऐड किया है मैंने। इसमें गार्लिक, लाल थोड़ी सी हरी मिर्ची काट करके, थोड़ी करी लीव्स, फिर इसके अंदर रेड चिली सॉस मिलाइएगा, थोड़ा टमेटो केचप मिलाइएगा और 65 में थोड़ा सा लाल मिर्ची की एक चटनी होती है जो लाल मिर्च एंड गार्लिक के साथ बनती है, तो एक चम्मच वो भी मिला देना, मतलब सोख करके लाल मिर्चियों को उसके बाद पीस लेना गार्लिक के साथ, तो एक चम्मच वो यहाँ मिला देना और इसके बाद फिर आपका पनीर मिला देना, तो ये हो गया आपका पनीर 65। बट ये भी जो मैंने बनाया है क्विक है एंड इक्वली टेस्टी लगता है, बस वो थोड़ा सा एक जो मज़ा आता है ना स्ट्रीट फूड वाला कि फ्राई किया हुआ है पनीर एंड थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा है, वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग है क्योंकि मैंने सानवी खुशी के टेस्ट के हिसाब से बनाया, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा बाद में हरा धनिया मिला दिया है मैंने और टिफ़िन के लिए नूडल्स का एक बेड बना के ऊपर पनीर रख दिया है, यानी बहुत बढ़िया लंच बॉक्स हो गया है। लेके जाए
बाल ठीक नहीं लग रहे, तूने बनाया? और ये मिल गई आज शानू की ड्रेस। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शानू यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसके इंस्टीट्यूट का ड्रेस कोड है और इसका जो ड्रेस है आज रिलीज हुई है। जो बच्चे पिछले साल से, उन लोग को पहले मिल गई थी ना, उनके पिछले साल की थी, और जो फ्रेश वाले गए हैं उनको सबको अभी आज मिली है। ऑलमोस्ट एक महीना जैसा हो गया, तो आज मिली है उसकी यूनिफॉर्म। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये एलन में है, आकाश में, तो शी इज इन आईआईटी आश्रम, शी गोज टू आईआईटी आश्रम। दो चलो अच्छा है, एक धुलेगा तो दूसरा अवेलेबल रहेगा। डिड यू साइज चेक फॉर द साइज? खोलना, क्योंकि बहुतों में तेरा एस आता है, बहुतों में एक्सेस भी आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल। दिस इज एम। अब मुझे लगता है लड़का लड़की सबकी सेम ही होगी। देखा देखा, दिस इज लॉन्ग। नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है, थोड़ी लंबी है ना, अच्छी लगेगी। हाँ टाइट नहीं है, गुड। चलो बढ़िया, निकाल दो इन्हें, वॉश हो जाएगा तो पहन जाना। और हमारी खुशी मैडम की तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ये इसकी कोई छुट्टी नहीं है, 19 तक कोई छुट्टी नहीं है। 19 के बाद हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, बट कुछ भी प्लान करते हैं वो होता नहीं है। हम नहीं है लाइक पूरी फैमिली, तुम्हें तो मालूम है, कुछ बनता दिखेगा तो मैं आप लोगों को भी बता दूंगी। चल बेटा ये टैग वैग निकाल लें।
मैंने इससे पिछले दिन मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, तो मुझे उसे है ना थोड़ा सा मैग्नम स्टाइल कोट करना था, तो इसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट ले लिया है। आप जो वाइट कंपाउंड रहता है ना, वाइट चॉकलेट कंपाउंड, वो भी ले सकते हो, बट मेरे पास वो एक तो था नहीं, दूसरा मुझे ब्लिंकिट पे वो मिला भी नहीं। मैंने इंस्टामार्ट भी चेक किया, वहाँ पे भी नहीं था, तो हर जगह ये मिल्की बार ही थे, तो मैंने ये मंगा लिए थे। तो बिगिनिंग में मैंने 2 मिल्की बार और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल करके इसको माइक्रोवेव किया, बट बाद में ये क्वांटिटी कम हो गई थी तो मैंने 2 और मिल्की बार मिला दिए इसमें एंड कोकोनट ऑयल भी बढ़ा दिया एंड इसको माइक्रोवेव कर लिया है। डबल बॉयलर में भी आप इसको पिघला सकते हो, थोड़ा ऑयल डालना ज़रूरी है वरना जो चॉकलेट है ना वो आइसक्रीम के कॉन्टैक्ट में आके एकदम से जम जाएगी, तो वो स्मूथ फिनिश नहीं आएगी। और ये जो पॉप्सिकल्स हैं मैंगो पॉप्सिकल, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, पर इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था अच्छी तरह से, तो अभी ये रेडी हैं, तो बस इनको फटाफट से जो चॉकलेट है इसके अंदर मैं कोट करूँगी। एक चीज़ मैं आपके साथ एडमिट करूँगी, ये चॉकलेट थोड़ी सी कम रह गई थी, थोड़ी और ज़्यादा होती तो मुझे एफर्ट भी कम लगते एंड फिनिश भी बहुत अच्छी आती, बट मैं वही बोल रही हूँ मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने छोटे छोटे लाइक 40 ग्राम्स के थे ये, प्रॉब्ली 40 ग्राम्स के 4 बार्स मंगा लिए थे एंड उसके बाद आई वॉज लाइक डन की और नहीं, जितना होगा इसी में हो जाएगा। अगर कंपाउंड रहता तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, फिर थोड़ा अच्छे से किया जा सकता था, बट ये बहुत अच्छा बना था, स्वाद में तो बहुत अच्छा था, बट लुक भी लकीली अच्छा आ गया, तुरंत ही ये जमने लगता है। आप इसको एडिशनली थोड़ी और देर फ्रीज़र में रख दें तो सब कुछ सेटल हो जाता है एंड ट्राई दिस मैंगो चॉकलेट मैग्नम, आपको ये अच्छी लगेगी। तुम्हारी चॉकलेट तो क्रैक हो गई, ऊज आउट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब मैं मैग्नम बनाऊंगी तो चॉकलेट वाली बनाऊंगी, मतलब डार्क वाली। ये भी चॉकलेट है वाइट, पर अंदर का भी चॉकलेट बनाऊंगी। और ये हमारी चॉकलेट सीरीज की आइसक्रीम सीरीज की 3rd आइसक्रीम थी। लाइक डिट किड्स? चलिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास ये वाला वैरायटी मैंगो रखा था जो मेरा लीस्ट फेवरेट है खाने में भी और कुछ भी मैंगो की रेसिपी बनाने में भी। मैंगो का कलर जितना अच्छा होगा, जितनी इसकी खुशबू तेज़ होगी, जितनी उसकी मिठास हाई होगी, उतना ही अच्छा उससे मिल्क शेक्स, लस्सी और आइसक्रीम्स बनते हैं, बट मेरे पास यही थे तो मैंने यही ले लिए। आपको जैसा मैं बता रही हूँ, आप अच्छे कलर वाला केसर, अल्फांसो, उस तरह का मैंगो लीजिएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने मैंगो को चॉप कर लिया था, डाला है इसको ब्लेंडिंग जार के अंदर, ऐड करी हूँ कंडेंस मिल्क, और मेरे पास वैसे तो फ्रेश क्रीम रखी थी पर वो कर्डल हो गई थी तो मैंने नहीं मिलाई इसके अंदर। ऐड किया है मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर एंड मिल्क। इसमें ना आपको फ्रेश क्रीम मिलानी ही होगी, नहीं तो व्हिप्ड क्रीम मिला दीजिएगा, थोड़ा सा क्रीम लाइक इफेक्ट आता है उससे। तो मेरी आइसक्रीम उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं बनी थी जिससे जितनी इससे पहले की 2 जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो बनी थी, बिकॉज मेरा जो क्रीम है वो ख़राब हो गया था। तो रखा फ्रीज़र में ही था पर पता नहीं कैसे फिर भी थोड़ा सा कर्डल हो गया। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला करके आप इनको फेंट लीजिए, स्मूथ कर लीजिए ब्लेंडिंग जार के अंदर, 3-4 मिनट इसको चलते रहने दीजिए तो ये थोड़ा ना एयरी एंड लाइट हो जाएगा। इसके बाद जो ये पॉप्सिकल मोल्ड है इसके अंदर मैं पॉप्सिकल स्टिक्स लगा दूँगी, और इसके बाद जो ये मिक्स है इसको रख देंगे इसके अंदर और इसको फिर फ्रीज होने रखूँगी 6-8 घंटे, तो ज़रूर ज़रूर इसको जमने देना, अच्छी तरह से जम जाएगी तो इसको एज इट इज़ आप मैंगो पॉप्सिकल की तरह खा सकते हो, या जैसे मैंने आगे इसको मैग्नम बनाया वो भी आप कर सकते हो, या फिर इसको किसी कंटेनर में जमा सकते हो। जैसे यहाँ ये जो थोड़ी सी बच गई ना, तो इसको इस कंटेनर के अंदर मैं जमा दूँगी और ये दोनों ही चीज़ों को क्लिंग फिल्म से लॉक करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी।
एंड ये ना बस ज़रा सा क्रीम की वजह से थोड़ा सा उतनी क्रीमी नहीं हुई है, लेकिन खाने में A1 टॉप नॉच इसका टेस्ट था। आप ट्राई करना फिर आपको पता चलेगा, अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा टेस्ट में। लाइक बाहर की जो आइसक्रीम रहती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स रहते हैं तो वो खाते पे पता चलता है, बट ये नेचुरली सो वेरी टेस्टी बनी थी।